देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपत्नी कहने के बाद देश की राजनीति में उबाल आ गया है। कांग्रेस जहां अधीर रंजन का बचाव करते हुए इसे उनकी जुबान फिसलना कह रही है, तो वहीं भाजपा इसे राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आदिवासी समाज की बहनों का अपमान कह रही है। अधीर रंजन के बयान को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निकृष्ट मानसिकता वाला घटिया बताया है। वहीं रीवा शहर में भी बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं ने जगह जगह पर कांग्रेस का पुतला दहन कर आक्रोश जताया है और कार्रवाई की मांग की है। संसद के अंदर कांग्रेस के नेता सांसद अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरह की देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद हमारी देश की महामहिमा आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश देश भर में विरोध प्रदर्शन किए हैं कि अधीर रंजन चौधरी इस्तीफा दें और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षता जिनके इशारे पर और जिनके लिए ईडी के द्वारा उनको सम्मन दिया गया, उस विरोध प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद एक आदिवासी बहन को आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचाया है, वह कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। इससे कांग्रेस की आदिवासी विरोधी मानसिकता परिलक्षित